यवतमाल के संकल्प फाउंडेशन की ओर से प्लास्टिक उन्मूलन अभियान किया गया। संकल्प फाउंडेशन की मुखिया ने स्वयं झाड़ू अपने हाथ में लिया और सफाई अभियान चलाया। आज संकल्प फाउंडेशन, इको लवर ग्रुप, म्यूनिसिपल हाईस्कूल 1995-96, क्लास फ्रेंड ग्रुप और पर्यावरण विद यवतमाल करका 11वां संकल्प संडे प्लास्टिक एलिमिनेशन स्कूल आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ। प्लास्टिक साम्राज्य अन्य प्रशासनिक भवनों के सामने फैला हुआ था। संकल्प की इस पहल के लिए फाउंडेशन नगर परिषद प्रमुख और प्रशासक माधुरीताई मडावी ने प्लास्टिक को मिटाने के लिए 2.5 घंटे तक अथक परिश्रम किया। यवतमाल करके लोगों के लिए काम करना एक अनुकरणीय बात है। कम से कम अगर शहर के लोगों को आसपास के प्लास्टिक से छुटकारा मिले और 4 लोगों को बुद्धिमान बनाए तो शहर में वर्षों से निष्क्रिय पड़े प्लास्टिक का उन्मूलन जन भागीदारी से सफल हो सकता है। मुख्यमंत्री की चुनौती को चुनौती देते हुए संकल्प ने इस पहल की सराहना की। म्यूनिसिपल हाईस्कूल समूह के सदस्य रवि शिंदे ने अभियान के अंत में सभी सदस्यों की उपस्थिति में अपना जन्मदिन मनाया। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट। संकल्प फाउंडेशन यवतमाळच्या वतीने शहरातील प्लास्टिक निर्मूलनाचं काम सुरू आहे आणि मागील 11 आठवड्यांपासून दर रविवारी संकल्प फाउंडेशनचे सगळे सदस्य शहरात जिथे जिथे कचरा आहे आणि प्लास्टिक आहे हे सगळं उचलून लोकांना संदेश देत आहेत, सगळ्यांमध्ये जाणून जागृती निर्माण करत आहेत की प्लास्टिकचा वापर कमीत कमी करावा आणि प्लास्टिक इतरत्र फेकू नये। आणि जेव्हा जेव्हा ते आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करतात आणि जे संकल्प फाउंडेशनचे जे काम आहे ते आम्हाला नगर परिषदेला अतिशय मदतीचं आहे आणि त्यांच्यामुळे आम्ही जो लोकांना संदेश देण्याचा प्रयत्न करतो प्लास्टिक वापरू नये तो संदेश ते डायरेक्ट लोकांना देत आहेत, त्याबद्दल त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो। आम्ही 11व्या प्लास्टिक निर्मूलन रविवारी ध्रुवशाळा आणि पाटबंधारे विभाग येथे सर्व शासकीय अधिकाऱ्यासोबत आणि सर्व इको लवर संकल्प फाउंडेशन आणि अदर ग्रुपसोबत प्लास्टिक निर्मूलन कार्यशाळा आयोजित केली आहे। याच्यामध्ये आम्ही सर्व विखुरलेलं प्लास्टिक जमा करत आहोत। मी सर्व यवतमाळ नागरिकांना आवाहन करतो की आपण आपल्या घरामधलं प्लास्टिक हे कुठेही रस्त्यावर इतरत्र न फेकता ते आपल्या घरातल्या डस्टबिनमध्ये ठेवून जेव्हा नगर परिषदची गाडी आपल्याकडे येत असेल त्यांना ती सुपूर्द करावं, जेणेकरून या प्लास्टिक मटेरियलचं संकलन करून त्याचं योग्य पद्धतीचं व्यवस्थापन करता येईल। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। Thank you.